राज्य खुश है। हाँ, तेरे को कहा लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। अगर आप रांची के नाम सुनते होगे तो सबसे पहला नाम आपके जहन में आता होगा वो आई थिंक ये अपना पतरातू वैली होगा। तो यार फिलहाल हम लोग आए पतरातू वैली, काफ़ी दिन से था आना यहाँ पे, बाइक लेके आना, राइड करना, बट यू नो हो पता हो नहीं पता था, बट फाइनली आज यू नो इस एग्जैक्ट रोड में से उन्हें चला के गाड़ी मज़ा आ गया। एंड फिलहाल आए यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। तो फिलहाल हम लोग थोड़ा सा रुके हैं यहाँ पे वैली में, एक मिड स्टॉप लिए क्योंकि यहाँ पे आई लव पतरातू वैली का बोर्ड लगा हुआ है, तो कुछ फोटोज तो कंपलसरी होता है कि नहीं, तो बस वहीं पे जा रहे हैं फोटोग्राफ चेक करने के लिए। बताने जरूरत है फिर भी बता दे रहे हैं, डू चेक माई इंस्टा लिंक हैंडल, डू चेक माई इंस्टा हैंडल डीएसएनजी ब्लॉग्स, नहीं चेक करना, मैं वहीं पर फोटो वगैरह अपलोड कर रहा हूँ। टकरा चुके हैं यूं तो कई भाई साहब, ऐसा वादी में आके अगर ये सब गाना याद है, सा है इश्क है या। हाँ तो मैं जो जिग जैग रोड कह रहा था ना, जिग जैग रोड इस टाइप का, जी 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 गाड़ी ये कुछ कम नहीं हुआ जिग जैग तो दिखा गया तो कम हुआ। हाँ तो बाकी तो सब ब्लॉग में देखेगा ही ना। तो ये है वो बोर्ड, आई लव पतरातू वैली, आई थिंक अच्छा होगा ये थंबनेल के लिए, फोटो खिंचाते हैं यहाँ पे। बाकी तो भाई साहब वादियां तो फिलहाल तो आए थे पतरातू लेक रिजॉर्ट के अंदर पे, ठीक है, लॉकडाउन की वजह से मतलब यहाँ पर भी आपका सब जगह बंद है, टूरिस्ट प्लेस तो पतरातू वैली ऑफ कोर्स ये भी बंद ही रहेगा। तो ये पतरातू वैली का एक लेक रिजॉर्ट था जो कि काफ़ी खूबसूरत था, आई थिंक आप देख सकते हो। वॉल में आर्किटेक्चर भी काफ़ी खूबसूरती से किया गया था, बट अनफॉर्चुनेटली ये भी नहीं हो पाया। एंड पतरातू लेक साइड में और एक सा पिकनिक स्पॉट जहाँ पे जाके देखते हैं, देखने क्या जाता है। चाकू से चलाना अलग होता है, ठीक है भाई। तो मैं क्या कह रहा था, तो मैं मन उदास नहीं हुआ कि जितना सोच के ज्यादा कुछ मिला नहीं, तो मन ठीक करने के लिए हम लोग आ गए राजू चाट भंडार में, फुचका खा लिए, पापड़ी खा ले रहे हैं, मुँह ठीक कर ले रहे हैं, फिर हो सके तो बोटिंग वगैरह करते हैं, देन लेट्स सी। और ओह माय गॉड, ठंड में अगर आइसक्रीम नहीं खाए भैया तो फिर क्या खाया। वो देख रहे हो हम लोग उस जगह पे थे जो कि लेक रिजॉर्ट है, वो लेक रिजॉर्ट है, पहले हम लोग वहीं पे थे, ठीक है, उधर से हम लोग घूर के इधर से आए, और जो डैम जो है वो वही है पतरातू डैम। बाकी पतरातू डैम का रास्ता ये आपका लेक से होके ही जाता है, तो अगर लेक बंद है तो पतरातू जाने का रास्ता भी बंद है, और फिलहाल कुछ व्यू तो ऐसा आ रहा है, सो फार सो वेरी गुड, लेट्स एंजॉय आइसक्रीम ऑन, ठंड में ठंडी की आइसक्रीम की मज़ा की बदल है भैया। पतरातू का एक्सटेंडेड पिकनिक साइट, हम लोग पहले
वो साइड में थे, फिर थोड़ा सा इधर आए तो देखिए इधर भी थोड़ा सा पिकनिक स्पॉट देखा, तो लेके आपका आपको एक झुलवा है, इधर टॉय ट्रेन है, मेरी गो राउंड है, और वो कार वाला है, एंड देन कुछ खाने पीने का, कुछ खेलने का सामान है। स्पॉट में जब बैठ के आइसक्रीम खाए ना, आइसक्रीम खाने का जो सुस्ती लगा भाई साहब, एकदम तगड़ा रहा सुस्ती लगा, उसका सारा प्लान ही चेंज हो गया। इसका बोले कि सुबह में काम करते हैं, आज का प्लान और ड्रॉप करते हैं भाई, और कहीं जाने की इच्छा कर नहीं रहा। तो इसका जो जर्नी था आज है 25th of January, आज का जर्नी आई थिंक 110 या 120 किलोमीटर का था। सो आज भी राइड करके मजा आया, और डे 3 साइनिंग ऑफ ईयर, शांति है भाई साहब, सुकून है, हरियाली है, पॉल्यूशन कम है, क्योंकि ये रांची का इसका नगरी है। सो हेलो एवरीवन, इट्स द लास्ट डे इन रांची, और अब हम लोग बस रांची से मतलब रांची स्टेशन पे आ चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग को ट्रेन पकड़ना है, पकड़ के अपने अपने घर की ओर निकलना है। सुबह भी जा रहा है क्योंकि हम लोग का छुट्टी ख़त्म हो रहा है, आज लास्ट है, कल से फिर से हम लोग अपना अपना ऑफिस ज्वाइन करेंगे। तो हम लोग ट्रेन में एक्चुअली 2 घंटे टाइम था, तो हम लोग पीते हैं, बट चाय पीने के लिए हम लोग को टेस्ट कराना पड़ा। ये हम लोग का गेट से बाहर निकलने का छोटा सा टोकन था, 25 कोविड टेस्ट कराना पड़ा, हम लोग कोविड टेस्ट करा के आ रहे हैं, एंड या सो फार सो वेरी गुड, बेचारा रो रहा है, आई एम फाइन, और अच्छा हम तो खुश है कि अच्छा वो हो गया, क्योंकि घर जा रहे कम से कम एक फ्योर तो रहेगा कि हम सही तरीके से जा रहे हैं, दैट्स व्हाई आई एम तो फाइन। अबे लेकिन रुला दिया ना, ये अच्छा नहीं लगा, नाक में थोड़ा अंडर कौन डालता है बोल तो। बच्चा है भाई, दादा जिसका बर्थडे है, तो विश हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे। तो वो पिज्जा पार्टी एक्चुअली भैया ही दे रहे हैं, तो उन्हें चलो बाहर चलते हैं पिज्जा पार्टी करते हैं, भाई के बर्थडे पे हो रहा है अपना पिज्जा पार्टी। नहीं खा कहाँ रहे पहले वो तो दिखा दें, वो है हमारा रांची का रेलवे मेन स्टेशन, वहाँ से हम लोग बाहर निकले हैं। ये हमारा जस्ट कोलकाता वाला सीन हो गया, खाना खाओ कोई बात नहीं, चलिए शुरू करते हैं। भैया थैंक यू एंड हैप्पी बर्थडे, भैया का बर्थडे पार्टी स्टेशन में हो रहा है। एयरवी को अरे मैंने ऑनियन नहीं दिया है, बर्थडे पार्टी दे रहा तो हैप्पी बर्थडे पार्टी। हां तो शेयरिंग इज करेंगे ना। ओके फटाफट को फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं, ज्यादा आपको लालच नहीं देते हैं। तो फाइनली अब इस जर्नी को एंड करने का वक्त आ चुका है, ठीक है, अपना भारत का झंडा वहीं लहराते हुए देख के बहुत ही प्राउड वाला फील आता है ना, मतलब एक इंडियन होने का फील ही अलग है। तो जय हिंद, वंदे मातरम।